अनगिनत बलिदानों, संघर्षों और अदालतों के चक्कर काटते हुए राम मंदिर व राम भक्तों के लिए वो शुभ घड़ी आई जब कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का। जब प्रभु श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई तो मानो संपूर्ण देश राममय हो गया। यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ये क्षण आ गया है। राजपाट धन सुख वैभव, ये वो क्षण था जिसमें समाहित थी करोड़ों राम भक्तों की आस्था, 500 वर्षों से अधिक का संघर्ष और कई पीढ़ियों का बलिदान। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को वो दिन आया जब वर्षों से टेंट में बैठे प्रभु श्री राम के भव्य भवन की नींव रखी गई। लोगों में जोश था, उल्लास था और एक मर्यादित रूप में प्रभु श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसका बखान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे थे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। आधारशिला रखने के बाद कोरोना महामारी से लड़ते हुए राम मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू हुई और बीतते समय के साथ प्रभु राम का भवन आकार लेने लगा। फिर 22 जनवरी 2024 को वो दिन आया जब प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सदियों बाद रामलला अयोध्या के पावन धरा पर विराजमान हुए और कई पीढ़ियों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों को एक परिणाम मिला। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला के रूप में यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया।